Hey guys, तो कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में बात करेंगे Realme C3 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि Realme UI पे बेस्ड है। आपको पता होगा Realme C3 में जो है आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI मिलता है। पहला फ़ोन है जो Realme UI के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स। आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इस तरह से कर सकते हैं। बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो Realme C3 में बता दूँ आपको, आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी ट्रांसपेरेंट बैक कवर नहीं मिलता है, लेकिन जो डिज़ाइन पैटर्न है प्लास्टिक का बैक है, और यहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बैक कवर यूज़ करना ज़रूरी है। तो बैक कवर का लिंक और एक टेम्पर्ड ग्लास का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अब मेरे जो होम स्क्रीन है वहाँ पर जो गूगल का सर्च बार है आप देखेंगे, यहाँ पर येलो है। ये वाली ट्रिक सबसे आखिर में बताऊंगा, बहुत ईजी है, लेकिन आखिर में जाके बताएंगे यहाँ पर। तो चलिए पहले यहाँ पर एड्स को कैसे ब्लॉक करना है। रियलमी C3 में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एड्स देखने के लिए मिलेंगे, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, और एडिशनल सेटिंग्स में एकदम नीचे की ओर आपको गेट रिकमेंडेशन वाली ऑप्शन मिलेगी, जिसे आपको बंद करके रखना है। अब एड्स कहाँ पे आती है, जब आप कोई नया जो ऐप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से, तब लास्ट में स्कैनिंग होती है, तब वहाँ पर आपको एड्स दिख सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन आपको जो है बंद करके रखनी है, तो आपको एड्स नहीं दिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे कि लंबा स्क्रीन है 6.5 इंची का, और यहाँ पर जो है ऊपर से आप ड्रैग डाउन नहीं करना चाहोगे हर बार। होम स्क्रीन से अगर ड्रैग डाउन करोगे तो जो नोटिफिकेशन बार है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन, यहाँ पर ग्लोबल सर्च होता है बाई डिफॉल्ट। ग्लोबल सर्च आपको ज़रूरत नहीं है, तो ग्लोबल सर्च के बजाय आप यहाँ जो नोटिफिकेशन सेंटर है उसे ऑन कर दीजिए। अब अगर आप चाहते हो जो गूगल सर्च बार यहाँ पर होम स्क्रीन में ना हो, तो वो वाली ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। ठीक ऊपर में ही आपको जो है यहाँ पर जो है सर्च बार को हटाने का, एट द बॉटम उसे हटाने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इफेक्ट मैंने दे के रखी है, जो स्क्रॉल का जो इफेक्ट है, वो आपको पता ही होगा, यहीं से मिल जाती है, बहुत ईजी है। मुझे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाली पसंद है, आपको जो पसंद है आप यहाँ पर जाके रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, डबल टैप टू लॉक वाली जो ऑप्शन है, और डबल टैप टू वेक वाली जो ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल कीज़ आप हमेशा इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे, जो आपका लॉक स्क्रीन है वहाँ पर, अगर आप जो है यहाँ पर डबल टैप टू वेक अप और डबल टैप टू लॉक इस्तेमाल करें तो यहाँ पर बेहतर होगा। तो डबल टैप टू लॉक वाली ऑप्शन आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स में मिल जाएगी। आपको होम स्क्रीन में लॉन्ग प्रेस करना है, फिर सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर डबल टैप टू लॉक वाली ऑप्शन आपको मिल जाती है। फिजिकल कीज़ मतलब आपका जो पावर बटन है, इतना ज़्यादा अगर यूज़ नहीं करोगे तो उसकी लॉन्गजिविटी बनी रहेगी। और डबल टैप टू वेक अप यहाँ पर आपको जेस्चर में मिल जाएगी। तो जेस्चर एंड मोशन में यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर में जाके आप यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर को आपको ऑन करना है, और डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन मतलब डबल टैप टू वेक अप, ये वाली ऑप्शन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे पैटर्न्स आप जो ड्रॉ कर सकते हैं, आप ओ ड्रॉ कर सकते हैं फॉर कैमरा, वी ड्रॉ कर सकते हैं फॉर फ्लैश लाइट, म्यूजिक कंट्रोल्स आप यहाँ पर कर सकते हैं, प्ले पॉज नेक्स्ट, ये सारी आप यहाँ पर जो है जेस्चर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर में आपके और भी सारे ऑप्शन आप जो है यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक करके आपको बता देता हूँ, जो ड्रॉ ओ टू एनेबल कैमरा है, मैं यहाँ पर इसे एनेबल करके आपको बता देता हूँ, ये बहुत आसानी से काम भी करती है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैंने ओ ड्रॉ किया, यहाँ पर कैमरा खुद ब खुद ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर मुझे बढ़िया लगा। लेकिन मैंने जो आपको बताया डबल टैप टू वेक अप और डबल टैप टू लॉक, उसे ज़रूर एक बार जो है यहाँ पर यूज़ कर लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। यहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम करके एक आता है जो ऑप्शन है, जो जब आप सेटअप करते हो अपना डिवाइस, तब वहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट आपको ऑन रखना पड़ता है यूज़र एक्सपीरियंस वाला जो ऑप्शन है, तो इसे आप बंद कर सकते हैं सिक्योरिटी में जाके। सिक्योरिटी में जाके आपको जॉइन यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो है आप बंद करके रख सकते हो, और आपको जो पर्सनल जो रिकमेंडेशन मिलते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर Android 10 है आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी C3 में, और रियलमी C3 में Android 10 होने के कारण यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैचेस है आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सिक्योरिटी पैच है आउट ऑफ द बॉक्स आपको 5 दिसंबर का देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है सिक्योरिटी में ही, जहाँ पर जाके आप जो है सिक्योरिटी पैच को यहाँ पर जो है January 1 कर पाओगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, तो गूगल प्ले से यहाँ पर सिस्टम अपडेट में जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर इंस्टॉल भी हो जाएगी, डाउनलोड भी हो जाएगी, और यहाँ पर आप देखोगे मेरा यहाँ पर January 1 का सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल्ड है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है 2020। अब ऑफिशियल अपडेट आएगा, ऑफिशियल पैच आने से यहाँ पर जो ऊपर में सिक्योरिटी अपडेट वो भी जो है December 5 का हो जाएगा, लेकिन इन द मीन टाइम आपको यहाँ पर January 1 का मिल जाएगा।
प्राइवेसी की बात हो रही तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में प्राइवेसी वाले ऑप्शन में यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन या लीकेज वाली जो ऑप्शन है इसे ऑन करके रखना है। इससे आपका जो मैक एड्रेस जो है वो रैंडम जनरेट होता है जब आप वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह यूज़ करते हैं, तो रैंडम मैक एड्रेस जनरेट होने से आपका जो है जो फ्रॉड होते हैं या जो हैक्स वगैरह होते हैं तो वो आपका जो चांसेस वगैरह यहाँ पर कम हो जाती है। साथ ही में आप यहाँ पर कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस वगैरह ये सारी जो ऑप्शन आपने जो परमिशन दे के रखी होगी किसी अननोन ऐप को, वो आप जो है मैनुअली बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आती है सीडो बेस्ड स्टेशन ब्लॉकिंग, इसे आप ओके करके ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो फ्रॉड मैसेजेस वगैरह आती है, एड्स वगैरह आती है दूसरे फ्रॉड नंबर से, उसे यहाँ पर जो है आप मैनुअली ब्लॉक कर सकते हो। तो इसे आपको यहाँ पर ओके करके जो है यहाँ पर ऑन रखना है। और यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर जो आती है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है, आपको इसे बंद रखना है। ये आपका जो पर्सनल डेटा है सेफ रखेगा। ये जो है रियलमी इस वाले ऑप्शन की वजह से आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे यहाँ पर जो एक्सेस कर सकती है, तो ये वाली आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना काम का भी नहीं है। तो अननोन नंबर को आइडेंटिफिकेशन वाली आपकी जो ऑप्शन है इसे आप बंद करके रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको जो स्टेटस बार है या जो क्विक क्विक सेटिंग पैनल है यहाँ पर जो है एडिट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि जो हॉटस्पॉट वाली जो आइकन है वो यहाँ पर नहीं रहती है, डार्क मोड वाली नहीं रहेगी, यहाँ पर ग्रे स्केल वाली नहीं रहती है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो मिसिंग रहते हैं। तो आप अगर चाहते हो तो यहाँ पर उसे ड्रैग डाउन करना है, वहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट ऑप्शन में जाके किसी भी आइकन को आप नीचे से ऊपर में जैसे टच एंड होल्ड करके लेके जाएंगे यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन भी नहीं रहती है, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ड्रैग ड्रैग करके उसे वहाँ पर जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक्स की यहाँ पर बात करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रिलेटेड है। पबजी लवर्स के लिए यहाँ पर अच्छी वाली यहाँ पर एक ऑप्शन है रियलमी C3 में कि यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं वाइल गेमिंग और इंटरनल साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर माइक्रोफोन का ऑप्शन है लेकिन वो दोनों एक साथ ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन में जैसे टैप करोगे वैसे ये वाली ऑप्शन अगर आपको ना मिले तो आप एडिट कर लेना नोटिफिकेशन बार को, वहाँ पर वो ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड सिस्टम साउंड वाली ऑप्शन है लेकिन कोई भी एक काम करेगी, रिकॉर्ड माइक्रोफोन और रिकॉर्ड सिस्टम साउंड ये दोनों एक साथ काम नहीं करेगी। अगर माइक्रोफोन को भी चाहते हो तो जो रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन है उसे ऑन करके पबजी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देना, तो वहाँ पर जो माइक्रोफोन वाली भी आपकी जो है रिकॉर्ड होती रहेगी और सिस्टम साउंड भी रिकॉर्ड होगा। और वाइल गेमिंग हम फ्रंट कैमरा अगर स्ट्रीमिंग करते हैं तो फ्रंट कैमरा ऑन रख के यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ काम नहीं करेगी लेकिन आपको वो ट्रिक करना है कि आपको जो है नॉर्मल रिकॉर्डिंग चालू कर देनी है जो फ़ोन में जो नॉर्मल रिकॉर्डर है साउंड रिकॉर्डर। अब यहाँ टैप एंड होल्ड करते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स में चलते हैं। होम स्क्रीन सेटिंग्स में आपको यहाँ पर जो है आइकन स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, ये बाय डिफॉल्ट रियलमी UI का है। अब यहाँ पर आप बहुत सारे जो है यहाँ पर फोरग्राउंड आइकन के यहाँ पर शेप वगैरह सब कुछ यहाँ पर शेप एंड साइज सब कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो है 8 आइकन में यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर थर्ड पार्टी आइकन पैक्स वगैरह यूज़ करने की ऑप्शन होनी चाहिए थी लेकिन वो शायद अपडेट में मिल जाए, वो अभी भी किसी भी रियलमी UI वाले फ़ोन में यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से आप आइकन वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब जो फीचर्स मैं बताऊंगा ये कोर रियलमी UI के फीचर्स हैं। यहाँ पर मैं 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाली ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा यहाँ पर जैसे आप 3 फिंगर से यहाँ पर स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट आ जाती है, लेकिन जैसे 3 फिंगर आप जो है यहाँ पर स्वाइप डाउन करके होल्ड करेंगे यहाँ पर स्क्रीन का कोई भी पार्ट, सिलेक्टेड पार्ट आप इस तरह से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर एडिट की ऑप्शन, डूडल ऑप्शन मिल जाएगी आपको वहीं पर ही। अब यहाँ पर मैं बता दूँ अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सेम तरीका है, खाली आपको जो है 3 फिंगर स्वाइप डाउन करना है, फिर वो जो प्रीव्यू आ जाएगी उसे ऊपर की ओर जैसे आप जो है ड्रैग कर दोगे और उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और लंबी सी एक स्क्रीनशॉट आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो फिर से एक बार बता देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उस प्रीव्यू को ऊपर की ओर जो है ड्रैग कर देना है और फिर आपको स्क्रॉल करना है, जितनी लंबी चाहते हैं उतनी लंबी आपकी जो है यहाँ पर आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ छोटे मोटे सेटिंग्स की जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स करनी पड़ती है और कभी कभी जो है ढूंढने में टाइम लग जाती है। जैसे कि आपकी बैटरी की आइकन में जो है परसेंटेज कितना है वो कहाँ से दिख जाएगा आपको। यहाँ पर सेटिंग्स में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में यहाँ पर सो बैटरी परसेंटेज ये वाली ऑप्शन आपको मिल जाती है
जो कि है, तीन ऑप्शन आती है, डू नॉट डिस्प्ले, एक होती है बैटरी की जो आइकन है उसके अंदर दिखनी चाहिए इनसाइड में, और एक जो है आउटसाइड वाली ऑप्शन आती है। तो यहाँ पर जो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं। और यहाँ पर चलिए अब डार्क मोड की बात करते हैं। बहुत सारे जो है ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि डुअल ईयरफोन्स वाली ऑप्शन नहीं है रियलमी C3 में, फिर जो है स्मार्ट असिस्टेंट वाली ऑप्शन नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिसिंग है रियलमी UI वाले। लेकिन आपको यहाँ पर डार्क मोड मिल जाता है थैंकफुली, और ये सिस्टम वाइड डार्क मोड है, तो आप इसे एक बार ट्राई आउट कर सकते हैं। वैसे जिनके पास डुअल ईयरफोन वाली ऑप्शन है रियलमी C3 में, वो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए, और जिनके रियलमी C3 में वाईफाई कॉलिंग भी आ रही है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन में यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ से जो है नेटवर्क कनेक्शन वाली जो स्पीड है वो आपको कहाँ से दिख जाएगी। तो ये वाली जो ऑप्शन है आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार में ही मिलेगी, मैं ये ढूंढ रहा था, तो नोटिफिकेशन स्टेटस बार में यहाँ पर जो है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड वाली ऑप्शन आपको मिल जाती है, तो ये वाली आपको ऑन करके रखनी है। आपकी जो है कनेक्शन स्पीड, वाईफाई की कनेक्शन स्पीड, या डेटा जो डेटा कनेक्शन आप यूज़ करते हैं किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर का, वो सारा कुछ दिख जाएगा। कन्वीनियंस टूल में जाके आप यहाँ पर जो है नेविगेशन जेस्चर, जो कि स्वाइप अप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड्स, ये वाली Android 10 वाली जेस्चर है, तो ये वाली आप यूज़ करके देख सकते हैं एक बार। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई नेचुरली, यहाँ पर रियलमी UI में जो स्वाइप अप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड वाली जो ऑप्शन है Android 10 वाली जो जेस्चर है, बहुत बढ़िया काम करती है Realme 3 Pro में, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी दिक्कत लगी जब मैं बोथ साइड से यहाँ पर स्वाइप करता हूँ तो ये काम नहीं करती है। काम नहीं करती है इन द सेंस, मतलब काम तो करती है लेकिन इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती। जब आप जो है स्वाइप अप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड, जैसे आप बैक करेंगे बोथ साइड में, यहाँ पर जो आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो है आप ज़्यादा यहाँ पर जो है कन्वीनियंटली जो है बैक नहीं कर पाओगे, जो कि मुझे बहुत दिक्कत होती है। दूसरे रियलमी डिवाइसेस में मैंने ये ऑप्शन मैं हमेशा ऑन करके रखता हूँ, तो वहाँ पर अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन यहाँ पर C3 में मुझे इतना ज़्यादा जो है कन्वीनियंट नहीं लगा, तो मैं यहाँ पर जो है वर्चुअल बटन्स को यूज़ करता हूँ। स्मार्ट साइड बार वाली ऑप्शन आपको मिल जाती है, तो यहीं पर आपको मिल जाएगी, कन्वीनियंस टूल में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाती है। स्मार्ट असिस्टेंट असिस्टिव बॉल की भी ऑप्शन मिल जाती है, तो उसे भी यहाँ पर जो है आप ऑन करके रख सकते हैं। चलिए अब बैटरी सेक्शन में चलते हैं। बैटरी सेक्शन में आपको यहाँ पर बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस मोड आपको मिल जाता है, स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वाली मोड मिल जाती है, इनमें से हाई परफॉर्मेंस मोड आप चूज़ करके रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बैटरी ड्रेन करेगा, बट अगर पबजी वगैरह आप खेल रहे हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव कर देगा। अब स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में एक जो है बैलेंस मोड आता है, उसे आप रखोगे तो आपकी बैटरी बची रहेगी, लेकिन हाई परफॉर्मेंस मोड को आप फिर बंद कर देना वहाँ से, तो आपकी यहाँ पर बैटरी थोड़ी सेव हो जाएगी। एडिशनल सेटिंग्स में आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन मिलता है, लेकिन डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको पता है अबाउट फोन में जाना पड़ेगा, और फिर आपका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उसे जो है अगर 7 टाइम्स क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाती है। अब डेवलपर ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है OSEI विजन इफेक्ट, जब आप टिकटॉक या लाइक ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है एक HDR वाली फीलिंग आएगी आपको, OSEI विजन इफेक्ट, तो ये वाली ऑप्शन आपको क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स में मिल जाएगी, और डेवलपर ऑप्शन में क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स में OSEI विजन इफेक्ट ये वाली आपकी ऑप्शन आपको मिल जाएगी, और ऊपर में आप जो है डायरेक्ट यहाँ से होल्ड करना है आपको, आपके क्विक सेटिंग पैनल में ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी, फिर उसे होल्ड करना है, और फिर इसे जो आप एक्टिव कर दोगे तो टिकटॉक और लाइक ऐप, ये दोनों ऐप में आपकी जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो आपकी एनहेंस हो जाएगी। साउंड में चलते हैं, आपको पता होगा यहाँ पर साउंड में रियल साउंड टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन ये ईयरफोन्स के ऊपर ही काम करेगी, ब्लूटूथ ईयरफोन्स में भी नहीं काम करेगी, तो इसके लिए आपको ईयरफोन्स वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप आके यहाँ पर रियल साउंड टेक्नोलॉजी में इसे एक्टिव करने से आपकी जो साउंड एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बेहतर हो जाएगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे सेटिंग्स पैनल में यहाँ पर कोई भी रियलमी लैब का ऑप्शन नहीं है, तो डुअल ईयरफोन्स का भी ऑप्शन मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। आपको मिला है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। वैसे जो गूगल ऐप आती है, गूगल का जो फोल्डर है वहाँ पर गूगल ऐप आती है, वहाँ पर कस्टमाइज विजेट करके एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप जो आपका सर्च बार है गूगल वाली वो वाली आपकी यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाओगे, कलर वगैरह चेंज कर पाओगे, शेप चेंज कर पाओगे, आपको जी लिखना है या पूरा गूगल लिखना है, ये सारा कुछ आप यहाँ से एडिट करके सेव कर देना, और यहाँ पर आप देखोगे कि कलर चेंज हो जा रहा है, तो ये वाली ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है, और मैं कोई भी डिवाइस लेता हूँ इसे एक बार जो है ट्विक ज़रूर करता हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको जो गूगल वाली जो ऐप है, गूगल वाले फोल्डर में गूगल वाली ऐप है, वहाँ पर आपको कस्टमाइज विजिट ऑप्शन में जाके इस तरह से आप जो है एडिट कर पाओगे, अपने गूगल सर्च बार को कस्टमाइज़ कर पाओगे। तो आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी इशू है आपके डिवाइस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं,
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।